आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, कहां एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उन स्टॉक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज और इसी के साथ ही साथ फंडामेंटल लिहाज से भी मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये भी हम आगे आपको बताएंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और मार्केट में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से, करीब करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। आज 19,700 के ऊपर निकला था निफ्टी, अब वो लेवल भी टूट चुका है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज एक्सपायरी का दिन भी था तो इस तरह की वॉलिटिलिटी भी एक्सपेक्टेड थी। आगे हम समझेंगे कि क्या लेवल्स आप आज देखने चाहिए एक्सपायरी के लिहाज से, लेकिन बाजार में कमजोरी इस वक्त कायम है। बैंक निफ्टी भी नीचे आया है, 130 अंकों की कमजोरी इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी करीब करीब 300 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कमजोर बाजार में भी आज हम देख रहे हैं L&T है आज का टॉप गेनर, करीब 2% ऊपर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते। HDFC बैंक, ONGC, SBI, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस भी हल्की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं आज दबाव दिख रहा है IT और कुछ चुनिंदा निजी बैंकों में। टेक महिंद्रा आज का टॉप लूजर, करीब 4% की कमजोरी है इस वक्त स्टॉक। एशियन पेंट्स नीचे है करीब 3%। LTI, माइंडट्री, HDFC लाइफ, M&M भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो इस वक्त हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों को और पावर स्टॉक्स को छोड़ दें तो लगभग सभी स्टॉक्स इस वक्त सेक्टर इस वक्त कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक बार मिड कैप स्टॉक्स पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और उनसे समझेंगे कि आगे के 3 घंटे के ट्रेड क्या नजर आ रहे हैं। हमारे साथ MK ग्लोबल के कपिल शाह जुड़ चुके हैं और उनसे समझ लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। कपिल, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए, शुरू तो काफ़ी अच्छी हुई थी, कल की तेज़ी कंटिन्यू होते हुए नजर आई, लेकिन अब वापस से हम देख रहे हैं कि 19,700 के नीचे मार्केट आ चुका है। आज की एक्सपायरी आप कैसी देख रहे हैं? जी पूजा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिलहाल ये मार्केट ने काफी अच्छा है कि ओपनिंग दिया था, लेकिन ऊपर के लेवल से जो हम इसको एक 7 टॉप कहते हैं, जहां भी आपका हाई हुआ था वहां से ही हमारा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। मार्केट 19,700 से गिर के अभी 19,600 के लेवल के यहाँ पे आ गई, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का पेन हम देख रहे हैं। हालांकि 19,600 और 19,550 मार्केट के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है वैसे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट 19,000 एक रेंज सी बनी हुई है, 19,550 टू 19,600 नीचे की तरफ और 19,800 ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट ये हफ्ता जो खत्म होने आया है इसी रेंज के अंदर ही उसने बिताया हुआ है। तो आइदर साइड जहां पे हमें कुछ एक ब्रेकआउट देखने मिलेंगे तो वहां की अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिलेंगे। 19,500 के नीचे मार्केट फिसल जाता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर का चांसेस कंटिन्यू रहना ज्यादा लगता है, और 19,800 ऊपर में निकल जाता है तो वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के आसार वहां पे जुड़ने लगेंगे। इंट्राडे के स्पेसिफिक से बात करते हैं तो मार्केट का जो हम अभी का रेंज देख रहे हैं तो इंट्राडे का आई थिंक ये एक 19,770 का जो लेवल था वो काफी हाई बन गया है, एंड इसके इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 19,680 के लेवल के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, और 19,680 ऊपर में और नीचे में कहां ना कहां पे 19,550, तो ये 100-125 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी की एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा मुझे नजर में आ रहे हैं। व्यू यहां पे साइडवेज टू नेगेटिव जैसा बना रहेगा। जी ओके, तो साइडवेज टू नेगेटिव व्यू है इस वक्त इंडाइसेस पर, लेकिन अगर कोई कहीं ट्रेड करना हो तो फिर आपकी सलाह क्या होगी कपिल? यहाँ पे हम ट्रेड स्पेसिफिक देख रहे हैं तो आज एक्सपायरी डेट है तो एक टेलीकॉम स्पेस में रोल ओवर के काफी अच्छे नंबर देखने मिल रहे हैं। हालांकि ये मिड कैप स्टॉक है और टेलीकॉम स्टॉक के डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आज इंट्राडे पे काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रहा है और ये काफी अच्छे सपोर्ट मींस अच्छा ब्रेकआउट हुआ था हाई टाइम फ्रेम पे, दैट इज अ TTML। तो TTML का स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट करके थोड़ा सा रिट्रेस किया हुआ है और अभी प्राइसेस आज के दिन में 101 के लेवल के यहाँ पे चल रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक 5% चल चुका है, लेकिन स्टॉक अपने मेरिट पे ही कुछ अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है।
तो यहाँ पे 101 पे एक खरीदारी की राय रहेगी, 98 के कुछ स्टॉप लॉस हमें फॉलो करने होंगे और ऊपर में हमें 108 के लेवल्स आते हुए देखने मिल पाएंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा शॉर्ट की ओर है, क्योंकि मार्केट का व्यू साइडवेज टू नेगेटिव है और यहाँ पे हमें ऑटो सेक्टर्स में कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड का स्टॉक है जो काफी दिनों से एक नेगेटिव मोमेंटम में बना हुआ है और आज के दिन में उसने जो अपने प्रीवियस डे का जो बेस था या 3-4 दिनों का जो उसने सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा था वो उसने ब्रीच किया हुआ है, 176 में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेगेटिविटी और भी एक्सटेंड होनी चाहिए और नीचे में स्टॉक के जो डाउनसाइड पोटेंशियल आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे 172 के रहने चाहिए और ऊपर में 179 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, तो ये हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। TTML 108 के लेवल्स के लिए और अशोक लेलैंड इसमें बिकवाली करके चलिए। 2% नीचे है ये स्टॉक, 172 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये रहा है अशोक लेलैंड पर। इस बीच हैप्पीएस्ट माइंड से जुड़ी एक खबर आ रही है, यहाँ पर कुछ बड़े सौदे हुए हैं स्टॉक में। स्टॉक आ चुका है 3.5% नीचे, करीब करीब 14 लाख शेयरों के यहाँ पर काफी सारे सौदे देखने को मिल रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में। क्या व्यू बन रहा है आपका कपिल, हैप्पीएस्ट माइंड में तेज गिरावट आई है स्टॉक में, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप या अवॉइड करेंगे? हैप्पीएस्ट माइंड बेसिकली एफएनओ काउंटर तो नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इंट्राडे के सीमित ही होगा। लेकिन आज हम आईटी सेक्टर्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहे हैं और आईटी सेक्टर्स में जो भी आपके सेकंड टायर कि आपका LTI हो गया या फिर आपका कोफोर्स हो गया तो वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। परसिस्ट हैप्पीएस्ट माइंड का भी स्ट्रक्चर को इतना लुक्रेटिव नहीं रहा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप स्टॉक्स, तो यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू तो मुझे लग रहा है। और आज के दिन में ऑलरेडी स्टॉक 3.5% से नीचे गिर चुका है और इसका जो नेक्स्ट बेस्ट लेवल है 880 पे अभी चल रहा है, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है कुछ 860 के, यहाँ पे मुझे बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो थोड़ा सा इंट्राडे में पेन होना चाहिए, 20 रुपए का पेन और भी ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो 20 रुपये का करेक्शन और दिखाई दे सकता है हैप्पीएस्ट माइंड में, जिन्होंने खरीदा हुआ है लॉन्ग साइड पोजीशन है इस लेवल का ध्यान। बात करते हैं मिड कैप में इस वक्त मेगा एक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है और मेगा एक्शन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पे दिखाएंगे। मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स पर नज़र डालें तो आज मेदांता के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज ने खरीदारी की राय यहां पर दी है, मोतीलाल ओसवाल ने 840 रुपए का लक्ष्य दिया है, जिसके चलते इस स्टॉक में आज तेजी है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है, MCX, यहां पर हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी है और 3 अक्टूबर को नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जिसके चलते MCX में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त धमाकेदार एक्शन है, एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राय ले लेते हैं MCX पर। शानदार तेजी, अपने रिकॉर्ड लेवल पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, करीब 7% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कपिल, क्या सलाह देंगे MCX पर, ये जो तेजी आई है अभी भी आप एंट्री लेने के मौके देख रहे हैं या फिर थोड़ा और नीचे आने देते स्टॉक को? MCX नो डाउट, जैसे आपने बताया कि कुछ एक सॉफ्टवेयर के लॉन्च के बारे में, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में लेके स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिखाया हुआ है। इसी महीने में स्टॉक ने अभी तक 22% की अपसाइड मोमेंटम दिखाई हुई है और ये जो 22% अपसाइड मोमेंटम है वो खास तौर पे पिछले 3 से 4 दिन में ही हमने काफी ज्यादा एक ऊपर में चढ़ने देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के लेवल के अराउंड आ गया है, स्टॉक काफी एक्सटेंडेड है, नो डाउट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड देखते हो तो थोड़ा सा आपको एक कुशन चाहिए होता है या फिर आपको एक विजिबल स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं जहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर पाओ जो आपके रिस्क लिमिट के अंदर हो। लेकिन MCX में जो रिस्क रिवॉर्ड का जो सेटअप है, ट्रेंड काफी अच्छा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड का जो सेटअप है वो अभी थोड़ा सा इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर जो होल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करना चाहिए, बाइंग करने के लिए थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए तो उसके बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय MCX पर। मेदांता, आज इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है, वैसे तो ये हाल फिलहाल की लिस्टेड कंपनी है, बट कभी क्या कोई व्यू बन रहा है आपका मेदांता पर? वेदांता काफी लिमिटेड हिस्ट्री है तो इतना तो टेक्निकल फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे डेवलप होते हुए नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो ज़्यादा तो कुछ चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन नवंबर 2022 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है, 840 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी के लिए, उसके चलते आज 3% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ,
इस नाम से भी कंपनी को जानते हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें क्या कौन कौन सी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीएल से। आज प्री मार्केट ओपनिंग में कुछ 22 लाख शेयर्स यानी 5% इक्विटी का एक बड़ा सौदा हुआ था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 2-3% की तेजी नजर आ रही है। इसके साथ साथ जेंसोल इंजीनियरिंग भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को कुछ 500 ईवी कार्गो वाहनों के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 4% की खरीदारी नजर आ रही है। यात्रा ऑनलाइन भी आज फोकस में रहेगा। आज इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है और BSE पर 130 रुपीज़ प्रति शेयर और NSE पर 127.5 रुपीज़ प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है, जो कि करीबन 9% डिस्काउंट पर है। आखिर में अपोलो टायर्स पर भी बात कर लेते हैं। SET ने SEBI को जुर्माना लौटाने के लिए कहा है, जो कि करीबन 65 लाख रुपीज़ का है। तो ये हैं आज के खबरों वाले शेयर्स, इन पर नज़र रखिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑप्शन की रणनीति की। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आज आप? से काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और मुझे नहीं लगता कि पार करेगा, तो हम लोग NTPC में एक पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे। अक्टूबर एक्सपायरी का 240 रुपए का पुट ऑप्शन हमें बाय करना है, 6 रुपए से लेके 6.50 रुपए इस रेंज में बाय करना है। 4 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 रुपए से लेके 12 रुपए ही हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, तो NTPC का पुट 6-6.5 रुपए के आसपास मिल रहा है, यहाँ पर रणनीति आपको सुझाई है। लक्ष्य 9-12 रुपए का है और स्टॉप लॉस जो सुझा रहे हैं वो 4 रुपए के आसपास का है, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।